अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने के लिए दुनिया के कई देश जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। टेक्नोलॉजी वार में तमाम देशों के बीच होड़ सी लगी है। सब स्पेस में अपने लिए मैदान ढूंढने में लगे हैं। इस वजह से कई देश लगातार मून मिशन लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं। अन्य देशों का मिशन भी नासा के आर्टेमिस 1 मिशन की तरह ही चंद्रमा पर पहुंचने की कवायद में है। भारत भी फिर से 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने की योजना बना रहा है। भारत का यह मिशन भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 इज ऑलमोस्ट रेडी, द फाइनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग आर इन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट देयर आर स्टिल ए फ्यू मोर सिमुलेशन एंड टेस्ट पेंडिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वांट टू डू इट लिटिल लेटर एंड करंटली देयर वर टू स्लॉट्स अवेलेबल, वन इन फरवरी एंड अनदर इन जून, एंड वी वुड लाइक टू टेक द जून स्लॉट फॉर द लॉन्च। इसके पहले इसरो ने अपना चंद्रयान 2 मिशन सितंबर 2019 में किया था, लेकिन वह असफल रहा था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। इस यान की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और इसे पिछले के मुकाबले काफी मजबूत बनाया गया है, ताकि पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसरो का दावा है कि यह यान यात्रा की ऊंचाई की गणना करने और खतरे की पहचान करने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर से लैस है। चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन था। इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक ऐसी जगह पर उतारने का लक्ष्य रखा गया था जहां पहले कोई अन्य लैंडिंग क्राफ्ट न पहुंचा हो। चंद्रयान 2 को वहां उतारने का मकसद चंद्रमा पर पानी और खनिजों की खोज के साथ ही चंद्रमा के भूकंप झटकों को मापने का था। लेकिन यह हाई प्रोफाइल चंद्रयान 2 मून मिशन 7 सितंबर 2019 में मॉड्यूल क्रैश होने से नाकाम रहा था। दरअसल मिशन के दौरान लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस वजह से यह मिशन असफल रहा था। हालांकि मिशन में शामिल ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। यह न केवल चंद्र सतह पर बल्कि सौरमंडल की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का संचालन भी कर रहा है। चंद्रयान 3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में अंतरग्रह मिशनों के भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। भारत के अलावा रूस जुलाई 2023 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर भेजा जा रहा है। दरअसल ये चंद्रमा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके चारों ओर स्थायी तौर पर छाया वाले भागों में पानी की मौजूदगी है। इस वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की इसमें खासी दिलचस्पी है।